हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो अक्षय तृतीया के लिए है। बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था, दीदी अक्षय तृतीया पूजा विधि बता दीजिए। जबकि लगातार 2 साल से ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, मैंने वीडियो में पूजा करके भी दिखाई हुई है, और ऐसे भी वीडियो अपलोड हैं जिनमें मैंने विधि बताई है। वीडियो को कम्युनिटी टैब में शेयर कर दिया है, उन्हें आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं कुछ छूट जाएगा तो उनमें आपको ज़रूर जो है वो पूरी विधि मिल जाएगी। सो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं कि अक्षय तृतीया पर जो है वो क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, और अक्षय तृतीया को आबूझ क्यों कहा जाता है ये भी। तो सर्वप्रथम महत्व बता दूं मैं आपको अक्षय तृतीया के, जो कि है इस दिन से, अक्षय तृतीया वाले दिन से चंदन यात्रा की शुरुआत होती है वृंदावन में, ठीक है। तो इस दिन से ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार प्रतिदिन होता है, उनको चंदन लगाया जाता है, क्योंकि उनके माथे में वेदना होती है गर्मी के कारण। तो पूरे 1 महीने चंदन यात्रा चलती है। चंदन यात्रा के लिए सेपरेट वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, जो कि आ जाएगा चैनल पर और आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इस दिन बद्रीनाथ के जो है वो कपाट भी खुल जाते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन से ही। इस दिन ठाकुर जी के श्री चरण कमलों के दर्शन भी होते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर में। इसी दिन से, आज के दिन मतलब अक्षय तृतीया के दिन जो है वो ठाकुर जी के श्री चरण के दर्शन होते हैं सिर्फ, ठीक है। और इस दिन परशुराम जी का जन्म भी माना जाता है। तो दोस्तों, और भी कई सारी विशेषताएं हैं, कई सारी जयंतियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अक्षय तृतीया को आबूझ इसलिए कहा जाता है, जो अक्षय तृतीया तिथि होती है, इस तिथि में आप कभी भी कोई भी सोने की, चांदी की, पीतल की, तांबे की, स्टील की जो भी खरीदारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के अंदर आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। संपूर्ण अक्षय तृतीया शुभ मानी जाती है, किसी विशेष शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस दिन आप किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं, जो कि कोई शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आबूझ मानी जाती है। सो अक्षय तृतीया कब से शुरू हो रही है तिथि, वो मैं आपको बता दूँ, और फिर इसके आगे हम अपनी पूजा की विधि को कंटिन्यू करेंगे। सो अक्षय तृतीया प्रारंभ हो रही है 3 मई 2022 5:08 AM पर, और ये समाप्त होगी 4 मई 2022 को 7:32 AM पर, ठीक है। तो ये तो हमने आपको तिथि बताई कि कब शुरू हो रही है। सो अक्षय तृतीया हम कब मना रहे हैं? अक्षय तृतीया हम 3 तारीख दिन मंगलवार को मना रहे हैं, 3 मई को, 3 मई 2022 दिन मंगलवार को अक्षय तृतीया हम मनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा था, दीदी अक्षय तृतीया पर व्रत रख सकते हैं क्या? आप रखना चाहते हैं बिल्कुल रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते कोई आवश्यकता नहीं है। व्रत, जप, तप, हवन, दान, पुण्य, ये सदैव अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है। आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं, आपको करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इस दिन सोने की खरीदारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं इस दिन सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करती हैं। जो भी खरीदने की क्षमता है आपकी, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, ठीक है, जो भी खरीदने की क्षमता है ज़रूर खरीदें। आपके पास अगर और कुछ ज़्यादा खरीदने की क्षमता नहीं, एक चम्मच ही खरीदने की क्षमता है, तो वो ज़रूर खरीदें, उसका पूजन करें, ये बहुत शुभ होता है। कहते हैं अपने आपके भाग्य को ही बदल देता है ईश्वर का, ऐसा जो है वो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इस दिन विशेष किस किस की पूजा होती है? माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, भगवान गणेश, आप शालिग्राम और ठाकुर जी की सेवा इस दिन विशेष पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि क्या है? सो पूजा की विधि, आप अपने जैसे कि दैनिक कार्यों से निवृत्त हो लें, स्नान आदि करके मंदिर में आ जाएं। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो कोशिश करके आप 16 श्रृंगार ज़रूर करें। नहीं हो पा रहा है आपसे तो आप थोड़े से गहरे रंग के वस्त्र पहन लें, जैसे कि पीले रंग की साड़ी हो गई, गुलाबी रंग की साड़ी हो गई, लाल कलर की साड़ी हो गई। पैरों में आलता ज़रूर लगा लें, मांग भर लें, बिंदी लगा लें, मतलब जितना सामान्यतः हो सके उतना ज़रूर कर लें। 16 श्रृंगार का मतलब ये नहीं कि बड़ा हैवी से ज्वेलरी पहन के, बहुत हैवी सी साड़ी पहन के और हैवी सा गजरा वजरा लगा के, आप साधारण तरीके से जैसे कर सकें ज़रूर करें, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है और नारी शक्ति का दूसरा रूप मानी जाती है। इसलिए तो जैसे कि मैंने आपकी नवरात्र की शुरुआत में बताया था कि देखिए मैं कैसे नवरात्र के प्रथम दिन ही जो वो आलता वगैरह लगा के पूजा करती हूँ, पूरे 9 दिन जो है वो आलता रहता है,
इसी प्रकार से पैरों में गुलाबी रंग का आलता वगैरह लगा के पूजा करें। माता लक्ष्मी से विशेष प्रसन्न होती है। जब घर की लक्ष्मी प्रसन्न होगी ना तो मंदिर की लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएगी, इसे हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके घर की लक्ष्मी दुखी है तो आप दुनिया की किसी लक्ष्मी को प्रसन्न करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। तो उसके बाद जैसे कि आपने स्नान आदि किया, दैनिक कार्यों से निवृत्त हो गए हैं, स्नान श्रृंगार वगैरह करके आप मंदिर में आ जाइए, जो भी साफ़ सफाई है कर लीजिए। एक चौकी पर आप चाहें तो जो है वो केले के खम्भ लगा लीजिए। पीले या गुलाबी लाल रंग का वस्त्र बिना बछाकर अष्ट दल कमल की स्थापना कर लीजिए, जो कि माता लक्ष्मी का विशेष पूजन होगा। उसके बाद एक कलश की स्थापना कर ले। मिट्टी का कलश बहुत विशेष शुभ माना जाता है इस पूजा में। सो मिट्टी की कलश स्थापना कैसे करनी है पता है, नारियल ना रखकर आप इस पर दीपक जलाएंगे, शुद्ध देसी घी से जो है दीपक प्रज्वलित कर लें। भगवान गणेश का आवाहन कर लें, उनको स्नान आदि करा के पंचामृत से और जो है वस्त्र वगैरह समर्पित करके लाल रंग के गुड़हल के पुष्प लगा के जनेऊ वगैरह चढ़ा के विधान से जो है उनका पूजन कर लें। और उसके बाद श्री हरि विष्णु जी का आवाहन करें, विग्रह है तो विग्रह में, नहीं है तो फोटो में कर लें। ठीक उसी तरीके से आप श्री हरि विष्णु जी का जो है वो स्नान करा कर पंचामृत से तिल चढ़ाकर पीला जनेऊ चढ़ा के पीला जो है वस्त्र अर्पित करके श्री हरि विष्णु जी का विधान से पूजन करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी जी का पूजन करना है, विध विधान से उसको वो स्नान कराइए, वस्त्र अर्पित करिए, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिए, जो कुछ आपके पास है श्रृंगार की सामग्री में उपलब्ध वो समस्त चीज़ें उनको समर्पित करिए। श्री शालिग्राम जी का पूजन भी इसी विधि से होगा। और सारी विधियाँ पूरी करने के बाद आप जो है वो भोग प्रसाद जो आपने बनाया है, वैसे इस दिन विशेष भोग ककड़ी मानी जाती है, ककड़ी का भोग लगाना, ककड़ी का दान करना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ककड़ी का भोग जो है, सत्तू का भोग, भिगो के चने की दाल और ऋतु अनुसार जो भी फल उपलब्ध हैं, बकाए के जो भी भोजन आपने तैयार किए हैं सात्विक, वो भगवान को भोग लगाएं, आरती कर ले। आरती जो है सर्वप्रथम गणेश जी की, फिर श्री हरि विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की आरती कर भोग प्रसाद लोगों में बांट लें, स्वयं भी ले लें। अगर आपने कोई आर्नामेंट खरीदा है तो उसका पूजन ज़रूर कर लें। अगर नहीं खरीद पाए हैं, नहीं क्षमता है, अगर आपके मांग का टीका रखा हुआ है तो उसका पूजन कर लें, वो एकदम नया माना जाएगा। और अगर मांग का टीका नहीं है तो जो भी आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है उसको आप गंगा जल से, अगर आपने पहनी हुई है तो गंगा जल छिड़क कर एक बार स्नान करवा कर फिर आप रख कर जो है उनका पूजन ज़रूर कर लें। जो बर्तन लिया है उसका भी पूजन कर लें। और उसके बाद आरती वगैरह करके आप विष्णु सहस्त्र नाम, माता लक्ष्मी जी के जो है वो चालीसा, जो भी आप जप तप करना चाहते हैं वो करें, जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, चाहे एक रुपये का दान करें लेकिन करें ज़रूर, जो भी आपकी क्षमता है दान करने की उसको ज़रूर करें। अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान जप तब आपको जन्म जन्मों तक मिलता है, आपकी आई गई समस्त पीढ़ियों को मिलता है, सो लाभ बता पाना बहुत मुश्किल है। सो शॉर्ट में दोस्तों मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई, आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और आप मुझे इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। बकाए की अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई अगर कोई और वीडियो आप देखना चाहते हैं, मैंने कम्युनिटी टैब में ऑलरेडी शेयर कर दी है पूरी लिस्ट जो है, सो आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। और मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक अपना विशेष ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।